विक्रम बैताल की कहानी शुरू से। बहुत पुरानी बात है, धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करते थे। उनकी चार रानियां थी, उनके छह लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और क्या थे, बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्मू द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करने चाहिए और जिन देशों का नाम उसने सुना है उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भृथरी को सौंप कर योगी बन गया और राज से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा, इसे जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात कह दी। ब्राह्मणी बोला, अगर हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे दो और बदले में कुछ धन ले आओ। इसके बाद यह बात सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भृथरी के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भृथरी ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भृथरी अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वो फल उसे दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा, यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भृथरी के पास गई और उसे दे दिया। भृथरी ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वो फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भृथरी ने पता लगाया कि उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई है और वह दुखी हो गया। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भिड़थरी के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वही रहने लगा। भिड़थरी के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घूमने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो। देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो जाओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र है, मैं तुम तीन आदमी पैदा हुए थे। यानी कि राजन, एक नगर एक नक्षत्र में तुम तीन पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर घर जन्म लिया, दूसरे ने तेली और तीसरे ने कुम्हार। तुम यहाँ के राज करते हो, तेली पाताल का राज करता है। कुम्हार ने युग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना सीरस के पेड़ में लटका दिया। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उसे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर से राज करने लगा। एक दिन की बात है,
शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया, उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई तो देव ने उस आदमी को बताया था, कहीं यह वही तो नहीं। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया। योगी वही पहुंचा और फल राजा को हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया। उसी समय एक बंदर ने झटपट उसे उठा लिया और तोड़ डाला। इसमें से एक क्या निकला, लाल निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चंदिया गई। राजा को बड़ी अचरज हुई। उसने योगी से पूछा, तुम यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हो? तो योगी ने जवाब दिया, महाराज राजा गुरु ज्योतिषी वैद्य और बेटी इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाया, पीछे के फल मंगवाए, तुड़वाने पर समय से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उसका मूल पूछा। जौहरी बोला, महाराज ये लाल इतनी कीमती है कि इनका मोल करोड़ों रुपए में भी नहीं आका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी के हाथ पकड़कर गद्दी पर ले आया। बोला, योगीराज आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया और वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, यानी कि मसान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर उसे मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेले वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठाकर राजा ने पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सीरस का पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी, चारों ओर अंधेरा फैला था, पानी बरस रहा था, भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, सांप आकर पैर में लिपटते थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। वह मसान में पहुंचा तो देखता है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिघार रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सीरस के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो यह वही योगी है जिसके पास देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी को काटते मुर्दा नीचे की ओर आ पड़ा और दहाड़ मार मार के रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तुम कौन हो? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ी अचरज हुई। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया, रस्सी काट दी, मुर्दा को बगल में दबाकर नीचे आया। बोला, अब बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर से बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तुम कौन, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने कहा कि मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौट कर पेड़ पर आ लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित चतुर और ज्ञानी इनके दिन अच्छी अच्छी बातें में बीतते हैं, जबकि मूर्ख क्या दिन कला और नींद में। अच्छा होगा कि हमारे राह भली बातों की चर्चा की जाए। मैं तुझको एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। इसके बाद विक्रम बेताल की कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं विक्रम बेताल की नई कहानियों के साथ।